नमस्कार, मैं हूँ उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खेल मंत्री अशोक चांदना ने की प्रेस वार्ता, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। धौलपुर के प्रभारी मंत्री एवं खेल मंत्री अशोक चांदना सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी मामले को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा मोदी सरकार को हट धर्मी सरकार बताया। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुर्गादत्त शास्त्री, कार्यकारी जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, शिक्षक नेता मनोज पोसवाल, युवा नेता नीरू पंडित, अमित मुद्गल, श्यामू शर्मा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सिब्बू दयाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के बाद मंत्री अशोक चांदना ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एसपी मनोज कुमार, एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, एसडीएम अनूप सिंह आदि पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री अशोक चांदना ने क्या कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से प्रदेश के, देश के और विशेषकर धौलपुर के हमारे लोगों को, आमजन को हम दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, भारत को जोड़ने की बात कही, नफरत को ख़त्म करने की बात कही, और अभी सदन में जैसे ही उन्होंने मोदी जी और अदानी जी के रिश्तों को जागर करना शुरू किया, 2019 में उनके ऊपर किया गया केस था, और उस केस में जिसने केस किया उसी व्यक्ति ने स्टे ले रखा था खुद ने उस केस की सुनवाई पर, वो भी गुजरात की कोर्ट में ही था। जैसे ही इन्होंने अदानी जी को लेकर, मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते उजागर किए, वो खुद व्यक्ति हाईकोर्ट जाकर अपने केस का स्टे खुद विथड्रॉ करता है, और फिर अगली ही सुनवाई में राहुल जी को 2 साल की सजा हो जाती है। सजा होते ही राहुल जी की मेंबरशिप, उनको समय ये भी नहीं दिया जाता कि वो हायर कोर्ट में, ये तो सेशन कोर्ट की कार्रवाई थी, हायर कोर्ट में उसको चैलेंज करें। चैलेंज करने से पहले उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, सदस्यता रद्द करते ही उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया जाता है। कहीं ना कहीं तानाशाही जो है देश के अंदर, लोकतंत्र को कुचलने की प्लानिंग और तानाशाही आज देश में चरम पर है, और कांग्रेस पार्टी को विश्वास है कि मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को हम ये बात बताएंगे तो सही मायने में देश के लोग ही सही न्याय कर पाएंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि न डरूंगा, लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे सदन से निकाल दें, मुझे घर से निकाल दें, लेकिन मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूँगा। तो हमारे लीडर निडर है और वो निरंतर सवाल करते रहेंगे, और जब तक ये जवाब नहीं देंगे सवाल करते रहेंगे, क्योंकि मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक संस्था का नहीं है, देश के आम नागरिकों के पैसे का है। देश के आम नागरिकों का LIC में जो पैसों का इन्वेस्टमेंट और अनेकों संस्थाओं में जो इन्वेस्टमेंट है, उन संस्थाओं से छह अप्रैल को धौलपुर शहर में धूमधाम से निकलेगी हनुमान जी की शोभा यात्रा। धौलपुर शहर में 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा धूमधाम और भक्ति भाव से निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा धौलपुर के अध्यक्ष कुक्कू शर्मा ने हनुमान जी की शोभा यात्रा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। मैं कुक्कू शर्मा, अध्यक्ष हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा धौलपुर। ये पर्व धौलपुर का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है। हमारी हनुमान जयंती हनुमान जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिसे हम सती वाले हनुमान जी GT रोड से शुरू करके शहर
जगन चौराहा, उसके बाद लाल बाजार, सब्जी मंडी, हरदेव सब्जी मंडी, धूलकोट, संतर रोड, बजरिया, ग्रांडी होते हुए वापस डाकखाना चौड़ाहे पर समापन करते हैं। अब की बार जन्म महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें कानपुर, बिजनौर, अलीगढ़ और गुड़गांव की झांकियां व लोकल के सभी बैंड लगाए गए हैं। आप सब धौलपुर जनता जनार्दन से मेरी अपील है, अनुरोध है, आग्रह कर रहे कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर इस पर्व को, इस महापर्व को एक सुंदर रूप दें और सौहार्द के वातावरण में इस हमारा हनुमान जयंती कमेटी का सहयोग करें। ये कितनी तारीख को हमारे सुबह कर निकलेगी? हनुमान जयंती 6 अप्रैल को शाम को 6:30 बजे शुरू करेंगे। समापन 12:30-1 बजे तक करेंगे। धौलपुर शहर में धूमधाम से निकाली गई भगवान महावीर जयंती शोभा यात्रा। दिगंबर जैन परंपरा के महान संत मंगलानंद सागर महाराज की मंगल प्रेरणा लिए सोमवार को धौलपुर शहर में महावीर जयंती शोभा यात्रा हर्षोल्लास व धूमधाम से निकाली गई। जैन मंदिर में श्री जी का अभिषेक, विश्व कल्याण के लिए शांति धारा सामूहिक पूजन के बाद भगवान महावीर स्वामी शोभा यात्रा को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, SP मनोज कुमार, SDM अनूप सिंह व जैन समाज के संरक्षक विवेक सिंह बोहरा ने विशेष पूजा अर्चना कर शुरू किया। जयंती के उपलक्ष्य में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम व लघु नाटिकाओं का आयोजन किया गया। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर संतर रोड, बजरिया, गडरपुरा, पुराना बस स्टैंड, पुराना डाकखाना, हलवाई खाना होती हुई जैन मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा की प्रमुख झांकियों में संसार दर्शन, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो आदि शामिल रही। शहर में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और पूजा अर्चना करते हुए श्री जी की आरती उतारी गई। इस अवसर पर वित्त आयोग के अध्यक्ष पद्मन सिंह, विवेक सिंह बोहरा, प्रदीप बोहरा, शैलेंद्र सिंह बोहरा आदि ने शोभा यात्रा में शामिल होकर पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा में भगवान के खवासी बनने का सौभाग्य विनोद कुमार, लोकेश कुमार जैन को प्राप्त हुआ। वहीं सारथी बनने का सौभाग्य पवन जैन मेडिकल और खजांची बनने का सौभाग्य राम भरोसी लाल, दिलीप जैन को प्राप्त हुआ। इंद्र बनने का सौभाग्य इंद्र कुमार, निर्मल कुमार जैन, बिमल कुमार, करण कुमार जैन, बिमल चंद, अनिल कुमार जैन, अर्पित जैन, सुशांत जैन को प्राप्त हुआ। विशाल शोभा यात्रा में भगवान महावीर स्वामी के जीवन दर्शन पर आधारित झांकियां धर्म ध्वजा के साथ लोग चल रहे थे। पूरी शोभा यात्रा मार्ग को भव्य तरीके से सजाया गया तो वही मंदिरों पर विशेष सजावट की गई। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष सतीश जैन, गिरीश जैन, SK जैन, अमित जैन, सोनू कोषाध्यक्ष पवन जैन, डालचंद्र जैन, नेताराम जैन, प्रदीप जैन, प्रवास जैन, रतन चंद, सुबोध जैन आदि मौजूद रहे। शाम को मंदिर में महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र 22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी। इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्रीराम फर्नीचर एवं टेंट हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास दूकापुरा वाला कुशवाहा छात्रावास के पास धौलपुर। प्रोप्राइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। अब नहीं सताएगी गर्मी। गर्मी के मौसम में AC, फ्रिज, डीप फ्रिज आसान किश्तों में खरीदे। मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आसान किश्तों में उपलब्ध, वो भी बाजार रेट से सस्ता। साथ में पाएं आकर्षक छूट ऑफर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाओ और कोई भी सामान बिना ब्याज के घर ले आओ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर।
तो देर किस बात की, जल्दी करिए, जल्दी आइए अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। केला देवी जा रहे बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। नेशनल हाईवे संख्या 11वीं स्थित सरमथरा उपखंड के बसीडांग के पास अज्ञात वाहन ने सड़क पर एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक जने की मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार एक युवक घायल हो गया। घटना की सूचना पर सरमथरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार ने बताया कि मृतक युवक कमल किशोर पुत्र शंकर लाल तेली, उम्र करीब 34 साल, बलदेवपुरा ताजगंज आगरा का निवासी था, जो कि अपने साथी के साथ आगरा से केला देवी माता के दर्शन के लिए जा रहा था, जिसकी सोमवार सुबह करीब 3 बजे सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने मृतक युवक के शव का डॉक्टरों की टीम के साथ पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से मृतक युवक के परिजनों में रो रो कर कोहराम मच गया। मृतक युवक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़की और 1 लड़का शामिल है। आज रात्रि 3:30 बजे बड़े गांव के पास एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कमल किशोर निवासी बलदेव नगर ताजगंज आगरा की मृत्यु हो गई, जिसकी लाश अस्पताल समुद्रा में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश उसके वारसदार को सुपुर्द की जाए। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी पर मंगलवार को होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर कल मंगलवार को 4 अप्रैल शाम 6 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके पूरे होने के बाद शाम को 6 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। राम जय हनुमान। शेरगढ़ के किले वाली प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर कल मंगलवार को दिन के 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम 6 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारे का आयोजन होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पर पहुंचकर पुण्य लाभ उठावें। नादनपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्यवाही करते हुए 10 वर्षों के चालान शुदा 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम अवतार वेरवा ने बताया कि धौलपुर एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में पुलिस ने क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही की, जहां से पुलिस ने दिगोड़ी निवासी राजू उर्फ राजेंद्र व लक्ष्मण पुत्रगण राम भरोसी मीना और तिलौआ निवासी पप्पू पुत्र गज सिंह कहार एवं लक्ष्मण पुत्र रामपति कहार को गिरफ्तार किया है। सामाजिक कार्यों के लिए बाड़ी में बनाया जाएगा अग्र सेवा सदन। अग्रवाल सभा की बैठक में लिया निर्णय। अग्रोहा बाड़ी में अग्रवाल सभा बाड़ी की कार्यकारिणी सदस्यों एवं गणमान्य अग्र बंधुओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत भगवान अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। बैठक में कोषाध्यक्ष अशोक बंसल सराफ द्वारा विगत 2 वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। कार्यकारिणी ने विगत 2 वर्ष में सभा के नए बने आजीवन सदस्यों के सदस्यता प्रमाण पत्र तैयार करने का भी निर्णय लिया। अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने अग्रसेन जयंती महोत्सव और दीपावली स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए अपनी सभी सहयोगी इकाइयों एवं अन्य सभी संस्थाओं द्वारा किए गए सहयोग की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने सदन को बताया कि अग्रवाल सभा ने श्री अग्रसेन विद्यापीठ के रास्ते की चौड़ाई बढ़ाने के लिए लगभग 150 वर्ग गज जमीन खरीदी है, जिसे विद्यापीठ की जगह को कन्वर्ट कराया जा सकेगा।
साथ ही उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव रखा कि समाज के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विद्यापीठ की काफी समय से खाली पड़ी जगह पर अग्र सेवा सदन बनाया जाएगा। इससे अपने समाज के सभी लोगों को अपने कार्यक्रम करने में सुविधा और सहूलियत होगी। अग्र सेवा सदन नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब पर संचालित किया जाएगा। इस मौके पर सुनील गर्ग कंपनी परिवार, एडवोकेट विनोद जिंदल, उपाध्यक्ष विजय सिंह डेयरी वाले, नरेंद्र मंगल, दिनेश चंद्र बागथरिया, पीडी अग्रवाल, विष्णु स्वरूप मंगल सराफ, हरिशंकर मंगल सराफ, महिला मंडल की अध्यक्ष बिमला मित्तल, अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, सहायता समिति अध्यक्ष राम निवास गर्ग, पप्पू भागतरिया, डॉक्टर गोपाल गोयल, शिवशंकर गर्ग व्याख्याता, महावीर गोयल जारगा, रवि मोदी, मोनू मंगल पार्षद आदि ने अपने विचार प्रकट करते हुए अग्रसेन सेवा सदन बनाए जाने का समर्थन किया। अग्रवाल जिला महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंगल ने कहा कि समाज के लोगों के लिए इसका निर्माण बहुत जरूरी है, मगर हमको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि शिक्षा के लिए समर्पित विद्यापीठ के संचालन में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो। बैठक में निर्णय लिया गया कि अग्रवाल सभा बाड़ी की आम सभा की बैठक बुलाकर प्रस्ताव का अनुमोदन कराया जाए। अध्यक्ष मुनालाल मंगल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। अब 5 मिनट में पाए लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉइड टीवी भी आसान किस्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। दो साल से फरार चल रहा कुख्यात बदमाश लादेन का भाई गिरफ्तार। 2 साल पूर्व पुलिस नाकाबंदी में अवैध चंबल बजरी से भरा ट्रैक्टर छोड़कर फरार हुए माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए माफिया नरेश उर्फ कल्ला पुत्र वने सिंह निवासी लालूनी थाना कंचनपुर कुख्यात बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन का भाई है, जिसके गांव में आने की सूचना के बाद धौलपुर शहर की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र ने बताया कि 2 साल पूर्व कोतवाली पुलिस झोर वाली माता मंदिर के पास अवैध चंबल बजरी खनन रोकने के लिए नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक माफिया ट्रैक्टर को नाकाबंदी के दौरान मौके पर छोड़कर भाग गया। माफिया की पहचान होने के बाद पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि लालोनी गांव में माफिया के आने की सूचना पर हेड कांस्टेबल शियाराम के साथ जाकर उसे गांव से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में माफिया ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस से बचने के लिए आरोपी मुंबई में रहकर टेम्पो चला रहा था, जिसके गांव में आने की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर राजाखेड़ा में भी निकाली मनमोहक झांकियों के साथ शोभा यात्रा।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जी के जन्मोत्सव को राजाखेड़ा में जैन धर्म के लोगों के साथ अन्य ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर राजाखेड़ा में मनमोहक झांकियों के साथ भगवान महावीर की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा की विधिवत शुरुआत कस्बे के जैन धर्मशाला से पूजा अर्चना के साथ सैकड़ों लोगों व दर्जनों झांकियों के साथ हुई, जो मुख्य बाजार से होती हुई पुलिस चौकी पहुंची, जिसके बाद हाट मैदान होते हुए मनोरमा सिंह की कोठी पर पहुंची, जहां से शोभा यात्रा मुख्य बाजार में प्रवेश की। मुख्य बाजार में होते हुए जैन धर्मशाला में ही समापन हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। भगवान महावीर की शोभा यात्रा में राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे बाजार में शोभा यात्रा के साथ नगर भ्रमण किया व अपने निवास हाट मैदान से निकलते समय शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान भी किया। पुलिस व्यवस्था की कमान संभाल रहे राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंगा सहाय के नेतृत्व में पुलिस व्यवस्था मुस्तैद रही। इस दौरान शोभा यात्रा में राजाखेड़ा थाना पुलिस व मनिया थाना पुलिस के जवान शामिल रहे। स्वर्णकार महासभा युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष बने विजय। स्वर्णकार महासभा उत्तर प्रदेश युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष वर्मा एवं अंकुर वर्मा महासचिव द्वारा सरमथरा कस्बा के युवा व्यवसायी विजय सोनी सवलगढ़ वालों को स्वर्णकार महासभा युवा शक्ति का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। स्वर्णकार समाज बंधुओं ने विजय को बधाई दी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने बताया कि महासभा के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका भली भांति निर्वहन किया जाएगा और सदैव संगठन के हित के लिए कार्य करूंगा। इस दौरान बॉबी सोनी, हरिओम, संजय सोनी, धर्मेंद्र, विष्णु सोनी, पुष्पेंद्र, चंद्रशेखर, नितिन, पवन आदि ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जीते पदक। जिला पावरलिफ्टिंग संघ धौलपुर द्वारा स्काई फिटनेस पॉइंट में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला पावरलिफ्टिंग संघ धौलपुर के सचिव आकाश शर्मा ने बताया कि 53 सब जूनियर में अंकित त्यागी ने स्वर्ण पदक, विनय ने रजत पदक, साविर ने कांस्य पदक जीता, वहीं 53 जूनियर में रोहित ने स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रकार 59 सब जूनियर में साहिल ने स्वर्ण, सचिन ने रजत और यश ने कांस्य पदक जीता। वहीं 59 जूनियर में आकाश माहौर ने स्वर्ण, ताहिर हुसैन ने रजत और दीपू ने कांस्य पदक जीता। 66 सब जूनियर में मोहम्मद उमर ने स्वर्ण, देवेंद्र आमना ने रजत और विशाल ने कांस्य पदक जीता। वहीं 66 जूनियर में आमिर ने स्वर्ण, चेतन ने रजत और जीतू कुशवाहा ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रकार 74 सब जूनियर में ध्रुव शर्मा ने स्वर्ण, सचिन ने रजत पदक जीता। वहीं 74 जूनियर में सूरज दोयला ने स्वर्ण, अमन बंसल ने रजत और पीयूष शर्मा ने कांस्य पदक जीता। 83 सब जूनियर में अंकित आमना स्वर्ण, अभय प्रताप ने रजत पदक जीता। वहीं 83 जूनियर में विशाल मित्तल ने स्वर्ण पदक, आशुतोष दुबे ने रजत पदक एवं विजेंदर ने कांस्य पदक जीता। 99 सब जूनियर में अनंत गुर्जर ने स्वर्ण पदक, प्रिंस ने रजत पदक जीता। वहीं 93 जूनियर में हर्ष त्यागी ने स्वर्ण पदक जीता। 105 जूनियर में हर्ष शर्मा ने स्वर्ण पदक एवं वंश ने रजत पदक जीता। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ सब जूनियर धौलपुर अनंत गुर्जर एवं स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ जूनियर हर्ष त्यागी ने खिताब जीता। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, मनीष टंडोतिया, मोहन वर्मा, कमल ठाकुर, प्रशांत चौधरी, शिवम शर्मा आदि खेल प्रेमियों ने शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालने पर छात्र को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी थाना पुलिस ने ऑपरेशन गार्जियन के तहत कार्यवाही करते हुए एक छात्र को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि देवी सिंह का पुरा निवासी 20 वर्षीय छात्र बॉबी उर्फ मोहन प्रकाश पुत्र निरंजन सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पिस्टलनुमा नकली हथियार डालकर पोस्ट किया था। छात्र को गिरफ्तार कर उसके पिता को तलब कर भविष्य में इस तरह की पोस्ट नहीं डालने की हिदायत दी है। आपके भरोसेमंद
डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब धौलपुर में एक ही जगह मिलेगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा सेवाएं, जहां दांत, आंख और बच्चों से संबंधित सभी रोगों का उपचार दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सोनी एवं उनकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की चिकित्सा टीम द्वारा किया जाता है। समय दोपहर 2 बजे से साढ़े 7 बजे तक। हमारे यहां राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की RGHS के तहत दवाइयां फ्री मिलती हैं। बालाजी क्लिनिक, पता परिहार मार्केट, नगर परिषद कार्यालय के पास, गौरव पथ, धौलपुर। अवैध शराब बेचते 720 पौओं के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले के दिहोली थाना पुलिस व DST टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध देसी शराब के 720 पौओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी वीगराम ने बताया कि राम सिंह का पुरा निवासी रविंद्र पुत्र हरि सिंह ठाकुर को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से देसी शराब के 720 पौए भी बरामद किए हैं। महापंचायत में धौलपुर से शामिल हुए समाजसेवी सोवरन सिंह। राजधानी जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में राजपूत समाज द्वारा केसरिया महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर से राजपूत समाज के समाजसेवी सोवरन सिंह सिकरवार सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान अतिथि के रूप में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी व उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार मौजूद रहे। महापंचायत में धौलपुर के समाज सेवी सोवरन सिंह ने समाज को एकजुट करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, फिजूल खर्ची को रोकने एवं आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर चर्चाएं की। संसार में कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं। राजकुमार। बसेड़ी कस्बा स्थित राघव पैलेस में भागवत कथा का आयोजन महिला सत्संग मंडल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आज भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक राजकुमार महाराज ने भगवान कृष्ण के जन्म एवं लीलाओं की कथा सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के घरों से माखन चोरी की। इस घटना के पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य है। दूध का सार तत्व माखन है। उन्होंने गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है, इसलिए असार यानी संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय, साधन और सामर्थ्य को अपव्यय करने की जगह हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण संभव है। इस अवसर पर कई महिला व पुरुष श्रोता बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। हाँ, और रोज आओगे तो मीठे में वो नंबर आ जाओगे। तो कहने का मतलब यह है मेरे भैया कि जो सोवत है सो। विद्युत सेवाओं को लेकर कार्यशाला आयोजित। वास्को रिसर्च फाउंडेशन जयपुर एवं सामाजिक विकास समिति धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में नागरिक एवं उपभोक्ता परामर्श केंद्र धौलपुर में विद्युत लोकतांत्रिकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें वास्को रिसर्च फाउंडेशन जयपुर के ललित कुमार पांडे ने बिजली एक आवश्यक सेवा अवधारणा, मापदंड, सामाजिक पहल और विकास पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में सामाजिक विकास समिति के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम समन्वयक राकेश कुमार परमार, महामंत्री मुकेश सिकरवार, रामवीर सिंह सिकरवार, डॉक्टर धुवेंद्र सिंह, स्मित अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।
धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।